हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है वो लिप्स के ऊपर है। अगर आप घर पर ही अपने लिप्स को पिंक और सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टेप शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप घर पर ही अपने लिप्स को पिंक और सॉफ्ट बना सकते हैं। अगर हम लिप्स की केयर नहीं करते हैं तो जो हमारे लिप्स हैं बिल्कुल क्रैक से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। कभी कभी तो इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं कि उनमें पेन होना शुरू हो जाता है और हमारे लिप्स का जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, जो हमें बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम उन्हें घर पर ही सॉफ्ट और पिंक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ 4 स्टेप शेयर कर रही हूँ, क्लिंजिंग, स्क्रबिंग, मसाज और पैक। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्लिंजर। तो यहाँ पर क्लिंजर बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बीटरूट का पाउडर। आप चाहे तो फ्रेश बीटरूट का जूस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिया है एक छोटा सा चम्मच बीटरूट का पाउडर, उसमें डाल लिया है रॉ मिल्क 1 चम्मच, यानी कि कच्चा दूध। तो बीटरूट तो आप जानते हैं उसमें विटामिन सी होता है जो हमारे लिप्स से पिगमेंटेशन को दूर करता है, स्किन को फेयर करता है और लिप्स को पिंक बनाता है। और जो कच्चा दूध होता है वो उसमें विटामिन बी होता है जो स्किन को नरिश करता है और डर्ट को क्लीन करके हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो इससे आपको अपने लिप्स पर 2 मिनट तक मसाज करनी है अच्छे से, और मसाज करने के बाद आपने लिप्स को क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम बना लेते हैं स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ राइस फ्लोर, यानी चावल का आटा। तो जो चावल का आटा होता है वो हमारे जो लिप्स की स्किन है उसे सनटैन रिमूव करेगा और स्किन के कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा। और नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बीटरूट, वही छोटा सा चम्मच मैं इसमें फिर से बीटरूट डाल दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ कर्ड। मैंने कर्ड को एक पतले से कपड़े में बांधकर उसको लटका दिया था 15 से 20 मिनट तक। तो उसकी कंसिस्टेंसी जो बिल्कुल ऐसी हो गई थी क्रीमी जैसी, जैसे क्रीम हो। तो इसको हम इसमें डाल लेंगे कर्ड को और अच्छे से मिक्स करके इसका स्क्रब बना लेंगे। और मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं इसमें और कर्ड डालूंगी और इसकी जो कंसिस्टेंसी है एक स्क्रब जैसी बन जाएगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ये हमारा स्क्रब बनकर रेडी हो गया है। जो कर्ड होता है हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है, जो ड्राई स्किन होती है उसको मॉइस्चराइज करता है। तो ये इस स्क्रब के साथ आपको अपने लिप्स की 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही लेंथी होती जा रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया। आपको आराम से स्क्रबिंग करनी है अपने लिप्स की, और स्क्रब करने के बाद आप अपने लिप्स को देखेंगे कि बहुत ही क्लीन लगने लगेंगे, क्योंकि उन पर जो डेड स्किन होगी वो उतर जाएगी और लिप्स जो है क्लीन हो जाएंगे। और आपको अच्छे से स्क्रबिंग करनी है और सिंपल वाटर के साथ क्लीन कर लेना है। तो नेक्स्ट हम बना रहे हैं मसाज के लिए। यहाँ पर मैं बाम बना रही हूँ, लिप बाम कह सकते हैं या मसाज क्रीम कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शिया बटर। अगर आपके पास शिया बटर नहीं है तो आप जो विटामिन ई के 4 कैप्सूल लेके उसमें बीटरूट पाउडर डाल के उसका एक जेल सी बन जाएगी, उससे भी मसाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शिया बटर है तो आप उसमें इसको डबल बॉयलर में मेल्ट कर लूँगी और इसमें 2 कैप्सूल डाल लूँगी विटामिन ई के। तो जो विटामिन ई होता है हमारी स्किन को एक बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को नरिश करता है, सन टैन से जो डैमेज स्किन हो जाती है उसको भी ठीक करता है। तो इसमें मैं डालूंगी बीटरूट पाउडर। शिया बटर हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करेगा, बहुत अच्छे से हमारे लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। और जैसे ही ये आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैं इसको छोटे से कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये एक लिप बाम जैसा बन जाए। तो ये बहुत अच्छी सी लिप बाम बन गई। इससे हम करेंगे मसाज। 2 मिनट तक आपको मसाज करनी है अच्छे से। तो मसाज करने से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल अच्छे से चलने लगेगा और आपकी जो लिप्स की स्किन है बिल्कुल पिंक और सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपको 2 मिनट तक अच्छे से अपने लिप्स की मसाज करनी है इसके साथ। और आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं रात को सोने से पहले। आप अगर इसको रोज़ अप्लाई करके सोएंगे तो आपके लिप्स नेचुरली पिंक और सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो इसके बाद हम बना लेते हैं पैक। पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पर फिर से कर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो कर्ड मैं ले लूँगी और इसमें डालेंगे हम बीटरूट का पाउडर और एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा पैक। तो कर्ड जो है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को नरिश करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। जो बीटरूट है वो एक पिंकिश लुक देगा आपके लिप्स को। तो ये हमारा पैक बनकर रेडी हो गया है, तो आपको इसको अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेना है। तो पहले हमने क्लींजिंग की थी, उसके बाद स्क्रबिंग की थी, मसाज की, और अब हम पैक लगा रहे हैं। और पैक लगाने के बाद इसको हम सूखने तक छोड़ देंगे ऐसे ही, जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए। तो अब ये बिल्कुल सूख गया है, तो इसको क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद जो हमने वो लिप बाम बनाई थी वो इसकी लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लेनी है, तो इससे आपके लिप्स बिल्कुल पिंक और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप इन 4 स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपके लिप्स जो है नेचुरली पिंक हो जाएंगे, प्लम्पी हो जाएंगे, सॉफ्ट रहेंगे। तो आप अपने लिप्स की केयर ज़रूर किया कीजिए। आप रात को सोने से पहले अपने लिप्स पर नारियल तेल लगाया कीजिए, जिससे आपके जो लिप्स हैं नेचुरली पिंक बने रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।